ये रहा मेरा स्टूडेंट। 7 डे चैलेंज ले रखा महारानी ने, तो चेस की दाल तैयार हो रही है आज यहाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर, और आप सबको हमारे नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं अपनी डेली की रूटीन के अकॉर्डिंग। जो मैंने कार्डियो 7 डे चैलेंज लिया था कल से, आज उसका दूसरा दिन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. So, मेरा 7 days चैलेंज ऑफ कार्डियो का दूसरा दिन था, बहुत वाट लग जाती है, तो चलो अब करते हैं अपना आगे के काम को कंप्लीट। ये रहा मेरा स्टूडेंट जो मॉर्निंग में आके यहाँ पे बैठ जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग पे। तो सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं आज बनाना के साथ। आपको नाश्ते में क्या खाना है? फ्रूट्स खाने, पपाया और बनाना खाने, तो वो है। रोटी और सब्जी खानी है तो वो है, चाय पीनी तो वो है, खीर खानी तो वो भी है, दाल भात खचा को ना तो उलझ। दाल भात तो खत्म हो गया था का? अभी उबल गई थी हमारी चाय। कहाँ से खत्म हुआ? तो सुन, चून सा बचा के रख दिया आपको फिर से, और अभी मैं खाऊंगी इसमें चीनी डाल के नौड़ी। क्या खाओगी? नौड़ी है, नौड़ी बोलते हैं इसको मम्मी लोग। घी में से जो निकल जाता वो है, इससे पेट में पथरी हो जाती है। मतलब किसने कहा जिससे पेट में पथरी होती है? हाँ, मम्मी कहती थी हमेशा। खाली भी कुछ भी देखो, ये इसमें ताकत होती है, लड़के नहीं खाते इसे। पथरी होती है, कहते हैं पथरी नहीं होती, नहीं होती। आप क्या बात कर रहे हो? होती है, इतने टाइम से खाते रह रहे। तो प्रिय सब्सक्राइबर्स बताओ इसको कमेंट बॉक्स में कि इसमें पथरी होती है नहीं होती। जो गाय का घी निकालते हैं उसमें जो मलाई बची होती है वो होता है। अब आप लोग बताओ इससे पथरी होती है क्या? हाँ होती है, इससे भी होती है, मलाई से भी पथरी होती है। चाय पी लो, तो बैठ बैठ के बैठी रहूं। सेवन डे चैलेंज ले रखा महारानी ने। लेग्स की एक्सरसाइज करेगी, इतना भारी हो रहा है, इतने भयंकर जैसे बजरू बजरू। और हमारी चल रही यहाँ चाय, सुबह सुबह यहाँ पे लग भी गई थी, मुझे नींद पड़ गई थी। फोड़ दे इतना पाव, उठा ही नहीं भाई बेचारी, हाथी जैसे पाव हो गए इसके। बहुत ही भारी हो रहा है यार, भूख भी इतनी भयंकर लग गई। मैंने कहा भगवान मैं अब क्या करूँ, तो मैंने अभी पूजा भी नहीं की, फटाफट मैंने ग्रास बनाओ, ग्रास रखो, उसके बाद मैंने सेब ये फल और केला चाय वगैरह पी लेती। कब की बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके। ऐसा गाना फील आ रहा था तुम दोनों को देख के। शैडो की घुमाई हुमाई हो गई है, अब अपने भी नाश्ते की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनने जा रहा है हमारा। क्या बनने जा रहा है, क्या देख रहे तुम? मैं सोच रही आज आपको कुछ अलग डिश खिलाई जाए पहाड़ की। इस पहाड़ी डिश बना रही हूं, वैसे इससे बोल रखा कि गढ़वाली चौसा दाल का, मेरे ख्याल से चैस बोलते इसको। क्या आप किस चीज की बना रहे? उड़द की। जखिया डाल दे रहा तो दाल में, जखिया नहीं जाता दाल में? जखिया, रेड चिली। हाँ, गढ़वाल में बहुत यूज करते हैं ना जखिया। कब तक का बना दोगी? आज ही बनाओगी, एक दो दिन बाद बनाओगी? आज ही खाओगे? आज ही खाऊंगा, आज ही बनाऊंगे, देखता हूँ कितने जल्दी बनाते हैं। अभी बना दूँ या थोड़ी देर के बना? दिन में बनाना, दिन में, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, नाश्ता करके, मतलब नाश्ता करके सोने चल जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ नए दाल की प्रोसेस चल रही है, नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है यूट्यूब देख के। थोड़ी सी डार्क हो गई है यहाँ पे, स्वाद और खुशबू दोनों। और यहाँ हमारा क्या है, चेस खाना, मतलब चेस ही होगी, खाना तो लगी हो फिर। तो चेस की दाल तैयार हो रही है आज यहाँ, इतनी बढ़िया बीवी मिली है, रोज नया नया खाना बना के खिला रही है। अलग ही ट्राई कर रही हूँ आज, अपना एक्सपेरिमेंट होगा सर, मेरा खुद का। कहाँ तक का पहुँची प्रोसेस तुम्हारी खाना बनाने की? ये भुन चुके हैं, ये भुन के ग्राइंड करूंगी, और उसमें मैंने मसाले पीस दिए सारे, अदरक, मिर्च, धनिया, साबुदाली और साबुत जीरा और काली मिर्च और लौंग डाली मैंने बट इसमें। अब उसके बाद बस तेल लगा चढ़ाते हैं यहाँ पे, वो तड़का वड़का देने के बाद मसाले वगैरह सारे भूनूंगी, देन उसके बाद फिर प्रोसेस बता दी इसमें। कल तुमने मेहंदी भी तो लगाई थी? मैंने दिखाया था सुबह भी, देखा मेरे प्यार का रंग कितना गाढ़ा जो है।
डार्क तभी होती है जब आदमी प्यार करता है। मेरे हाथ के बिना तो पेस्ट आ गई ना। वही तो। तो मैं थोड़ा बहुत काम करा। गुर्जर लग रहे हैं, तैयारी करने लग रहे तक चढ़ाने तक। चढ़ावा चढ़ाने ये पहले आ जाते हैं, चाहे मंदिरों के पत्ते खाना हो। तो जब तक खाना बनता है तब तक हम एडिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब खाना बन जाएगा 11 बज गए। उसके बाद हम खाना ही खाएंगे सीधे। तो हाँ, आपको बीवी और खाना दोनों तैयार हो चुके हैं हमारे। तो आज बनी हमारी चेस की दाल। लेट्स सी। चेस की दाल एक बार हिला के दिखाओ इसको। लेट्स सी दा। दिख तो टेस्टी थी, अब खाने में जैसी होती। तो फिलहाल ट्राई करते हैं आज मन्नो के हाथ की एक और नई रेसिपी। पहाड़ी रेसिपी दाल मस्त हो रही ना। डिफरेंट टेस्ट करने को मिला कुछ। बढ़िया भी हो रही इसमें। अरे यार मैं पहुंचने वाली हूं। उससे बताओ। बढ़िया हो रही मस्त। और यहाँ चल रहा है हमारा YouTube और यहाँ ये देखने में मस्त है बिल्कुल। तो दाल इतनी मस्त हो रही थी कि पूरी कढ़ाई चढ़ गया मैं। और ये असाड़ के मारे वहाँ बैठी है, इसने भी इतना ज्यादा खा लिया है। क्यों 11:30 बज गए, तुम भी चाची के यहाँ चले जाओ। तुम जा रहे हो तभी तो सोऊंगा मैं। तो बदतमीज है। जब तक का तुम होगी तब तक का हल्ला गुल्ला करते रहोगे, खाटा फुटो खुटो फुटो करके। मैंने आज आपके चक्कर में तो चूड़ियां भी उतार दी यार ये पहनी करे। मेरे चक्कर में इतनी आवाज करते छन 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 करके भूत जैसे आती है वैसे आ जाती है। चुड़ैल आती है ना जैसे पिक्चर में छन 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 वैसे आ जाती है सब सुबह सुबह। और जिस में 4 बजे मेरे को उठो, 8 बज गया दे रहे थे तब क्या था। तुमने पूछा मेरे से टाइम कितना हो रहा है करके। तो मैंने बताया कि 8 बजे। आपने कहना चाहिए कि 4 बज रहा मनु सो जाओ कह देते बस। मैंने ये तो बोला 8 बज रहा, किसने कहा पहले बताओ। तो अंधेरा हो रहा था 8 ही बज रहा होगा। मैं बाहर उजाला अंधेरा देख रही, मेरे फटक से उठ के देखा मेरे पास 4 बज रहा है। मैं चक्कर में मेरी नींद खराब होती फिर सोने लगी तो फिर सोने दिया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा यार ये वीडियो। तुम दोनों को मेरा बाहर तो घर से निकालने था, पर तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो है भाई। तुम दोनों को तो मैंने घर से बाहर ही निकाला था, पर तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो। इसको निकाल रहा घर से, इसको निकालो। आप सोई नहीं हो क्या है। क्या हो रही है दांत में दर्द। दिखाओ कितने बैक्टीरिया बैठे दांत में। यहाँ मसूड़ में हो रही, मेरे दांत का दांत आ रहा है क्या। अकल आ रही होगी अब, अकल का दांत आ रहा है। सिट मैन, पहले साल में तो नहीं आता अकल का दांत। अकल का दांत पहले आ जाना चाहिए था, अकल भी नहीं आई तब तो आपको इसका मतलब। मुझे लगा सोए हो, मैं अंदर बैठी हूँ खाली। चलो काट दे इसको। चलो जब पंखा बंद करके ए इधर आ, पंखा बंद करके अंदर का इसको काटना। जा अंदर जा इधर। कैसे पंखा बंद कर गया यार। जब बंधा पंथा पंथा बंद कर दिया जल्दी। मैं सोच रही थी क्या कर रहे हो आप, करके देख रही ला रही थी तब तक आप यहाँ से बाहर गायब दोनों के दोनों। क्या कहा तुमने। जो चीजें रखी हुई है ना फालतू यूज नहीं होती, मैं हटा देती हूँ। हटाने वाले तो तुम भी हो, हम तुमको तो नहीं हटा रही गई। मैंने आपको हटाया, पड़े हो तब से बेड में हट रहे हो। मार खाने वाले काम क्यों करते, इतना हो क्या रहा है इसमें नॉइस। बाप रे, पीछे से उजाला है आगे से अंधेरा। तो शाम हो गई है, शाम के बज गए हैं 5। और यहाँ आ गई हमारी चाय मुरमुरों के साथ। कितने बिस्किट लेके आई हो। खा लेंगे, चाय ज्यादा लोगे कम लोगे। मैं ये वाली कम वाली लूंगा, बॉन पीटा वाली। इसमें देखो ये जब गर्म दूध डालो तब आती है, जीत की भी। इससे पहले नहीं आती ना, बिना उसके देखना। ये वाला होगा वो मैजिक। हाँ वाला। तो अभी लेते हैं चाय का आनंद इतनी गर्मी में। हमारी पत्नी द्वारा बनाई गई, ये तो पीनी ही पड़ेगी, फेंक तो सकते नहीं, इतनी हमको फेंक देगी। अदरक लेकर आई मैं नई पुरानी वाली, पता है मेरे भी नहीं रिजा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत। तुमको शाबाशी देनी चाहिए। शाबाश। शाबाशी दे रहे हो, मार रहे हो। मोटिव वही था पीछे उसका। टाइम हो चुका है 5 बजने वाला है और गर्मी इतनी है ना, स्किन में भी इतना 10 किलो तेल जमा हो चुका है। तो फिलहाल वर्मा जी चले गए शैडो को लेके ऊपर छत पे, और अब मैं भी जाती हूँ छत पे ही ऊपर, थोड़ी नेचुरल हवा खा लेते हैं। ये भटकते हुए लोग
और ये रहा सामने का सारदी और ऊपर से उसके बादल तो प्यारे लग रहे। एक रील वाली बंदी से शादी करनी थी हमें को, रील वाली। क्या? मैंने कहा रील वाली बंदी से शादी करनी थी जो खाना नहीं बनाते रहते। बढ़िया बढ़िया उनसे। रील पे मैं बनाती हूँ। खाने की तरह बनाती हूँ। हाँ जी, तो आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड और मिलते हैं आपसे कल के आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग पे। और इस समय वर्मा जी भी अपना काम पे बैठ चुके हैं और बाकी हमारी डिनर की तैयारी चलने रही वाली है, मतलब चल रही है साइड से, तो सोचा ब्लॉग भी एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।